Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू KS Academy। आज हम इस प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं कैलोरी मीटर की। कैलोरी मीटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर एंड बॉयज कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर हमारा सॉलिड फ्यूल्स और नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के काम आता है। बॉयज कैलोरी मीटर हमारा वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स और गैशियस फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के काम आता है। आज हम इस प्रेजेंटेशन में मेनली बात करेंगे बॉम्ब कैलोरी मीटर की। सो चलिए चलते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर पर। बॉम्ब कैलोरी मीटर हमारा कुछ ऐसा दिखता है। बॉम्ब कैलोरी मीटर में हमारे तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग, जो आपको पेपर में क्वेश्चन आने पर लिखनी होती है और ये डायग्राम बनाना होता है। सबसे पहला उसका प्रिंसिपल, वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। तो इसका प्रिंसिपल यही कहता है कि जब एक नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल हमारा बर्न होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में और अपनी हीट हम एक नोन अमाउंट ऑफ वाटर में देता है, तो उसका जितना टेम्परेचर राइज होता है उतनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करी जाती है। ओके, इतना हो गया इसका प्रिंसिपल। अब चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में इसमें कुछ नहीं है, एक हमने एक बॉम्ब लिया है, एक स्टील बॉम्ब, स्टेनलेस स्टील बॉम्ब कहते हैं इसे। इसके अंदर हमने अपना फ्यूल रखा है एक क्रूसिबल में, जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि इसको बर्न होने में हेल्प करेंगे जब बैटरी से कनेक्टेड होंगे, और दो वायर्स हैं जो कि मैग्नीशियम वायर्स हैं जो कि इसे बर्न करने में हेल्प करती हैं, और ऑक्सीजन वॉल्व है जिससे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इस इसके स्टेनलेस स्टील बॉम्ब में आएगी और ये हमारा जो फ्यूल है वो बर्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा बाहर हमने एक नोन अमाउंट ऑफ वाटर लिया हुआ है और ये सब कुछ एक कॉपर कैलोरी मीटर के अंदर लिया हुआ है हमने। ये जिसके अंदर वाटर है इसको कॉपर कैलोरी मीटर कहते हैं। इसके अंदर मैंने एक नोन अमाउंट ऑफ वाटर लिया है जिसमें एक बेकमैन थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर का नाम होता है बेकमैन थर्मामीटर, और एक इलेक्ट्रिक स्टरर है जो कि रेगुलर इसे स्टर करता रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। और ये जो थर्मामीटर है ये वो 1/100 केल्विन ऑफ टेम्परेचर भी हमें बता देगा, इसलिए हमने ये स्पेशल थर्मामीटर यूज़ किया है। इसके बाद हमारे पास है एक एयर जैकेट, जिसे एयर स्पेस भी कह सकते हैं, और एक वाटर जैकेट, ताकि ये बिल्कुल इंसुलेटेड हम इसे बना सकें बाहर की कोई भी, ताकि इसकी कोई भी जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो बाहर एनवायरमेंट में ना जाए। अब इसकी बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग क्या होगी इसकी, जब भी ये फ्यूल बर्न होगा, हमने ये फ्यूल का हमारा अमाउंट पता है, ये फ्यूल बर्न होगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये अपनी हीट इस वाटर में देगा। सबसे पहले जब ये कुछ भी नहीं हो रहा होगा तब हम इस वाटर का टेम्परेचर नोट करेंगे थर्मामीटर के थ्रू। उसके बाद फिर ये फ्यूल बर्न होगा, अपनी हीट वाटर में देगा, और फिर ये जो स्टरर है ये कंटिन्यूसली स्टर करता रहेगा इस पूरे सिस्टम को, और जब ये फ्यूल कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, तब हम इसका टेम्परेचर दोबारा नोट करेंगे वाटर का, जो मतलब बेकमैन थर्मामीटर हमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर देगा हम वो टेम्परेचर नोट करेंगे। पहली चीज़ ये नोट हो गई। दूसरी चीज़, कितना टाइम लगा इसे हाईएस्ट टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे आने पे वाटर को, वो नोट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं अब इसके कैलकुलेशन पार्ट पे। तो इसका कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने एक नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया, x ग्राम ऑफ फ्यूल हमने ले लिया। अब हमने वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, पहले वाटर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू हीट कैलोरी मीटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होता है वाटर इक्विवेलेंट, जितनी भी हमें कैलोरीज, सपोज कि वो हमारा कैलोरी मीटर 15 डिग्री सेल्सियस पे है, 15 डिग्री सेल्सियस पे, और उससे हमने 16 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, इस चीज़ को हम कहते हैं 1 डिग्री राइज। तो उस चीज़ को हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करा जाता है, मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, जिसका भी वाटर इक्विवेलेंट निकालना है उसका मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट। अब हमने वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वाटर निकाला है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वाटर हमने कैपिटल W बोल दिया। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अपैरेटस, इस अपैरेटस में क्या क्या आएगा, इस अपैरेटस में आ जाएगा हमारे पास बॉम्ब कैलोरी मीटर थर्मामीटर और हमारा इलेक्ट्रिक स्टरर।
ओके, इनिशियल टेम्परेचर हमने लिया T1, फाइनल टेम्परेचर हमने लिया T2, डेल्टा टी हमने यहाँ पे ले लिया, और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की हमने सिंबल ले लिया C. हमारा प्रिंसिपल तो एक ही लगता है इसमें, हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट. हीट गेन हम लोग मान लेते हैं, हीट गेन का क्या फॉर्मूला होगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वाटर की हीट जो कि होगी इंटू डेल्टा टी, प्लस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अपैरेटस की हीट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये तो हो गई हीट गेन. हीट लॉस किससे हुई हमारी, फ्यूल से, इंटू उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो कि हमने सी मानी है. ठीक है, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टी, डेल्टा टी को हमने क्या माना, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू एक्स सी. तो हमारे सी की क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, हमारी सी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन अपॉन एक्स. ये हमारे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू निकल आती है, और एल सी वी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू तो मैंने आपको सिखाया ही है, मेरी पिछली वीडियोस जाके देख लीजिए. जी सी वी माइनस वेट ऑफ एच टू ओ इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 587. वेट ऑफ एच टू अगर परसेंटेज में दे रखा है तो हो जाएगा 0.09 एच अपॉन 0.09 एच, सिर्फ इतना ही रहेगा, इंटू जी सी वी की वैल्यू हमने इस फॉर्मूला से निकाल ली, तो एल सी वी हमारा फाइनल आ जाएगा. ओके, इसमें एच की क्या वैल्यू होती है, जितनी भी परसेंटेज दे रखी है, जैसे 8% तो 8 हो गई इसकी वैल्यू, यही होती है. ओके, हमने कैलकुलेशन पार्ट भी कर लिया, अब हम आते हैं इसकी करेक्शंस पे. कुछ करेक्शंस, कुछ दिक्कतें आ गई हमें इस फॉर्मूला में. पहली दिक्कत हमारी थी फ्यूज वायर करेक्शन. हमने याद है हमने एम जी की वायर ली थी, अगर फ्यूल बर्न होगा तो वो एम जी की वायर भी बर्न होगी, जिसकी वजह से उसकी हीट भी हमारे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की हीट में एड ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें इसे माइनस करना पड़ता है. ठीक है, एक आती है हमारे पास एसिड करेक्शन. एसिड करेक्शन में क्या होता है कि फ्यूल के अंदर जो सल्फ़र और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके, ऑक्सीजन और वाटर वेपर के प्रेजेंस में आके क्या बना देते हैं, एसिड्स बना देते हैं. जैसे एस प्लस ओ टू बनाता है हमारा एस ओ टू, तो एस ओ टू फर्दर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर वेपर की प्रेजेंस में हमारा बना देगा एच टू एस ओ फोर. ऐसी नाइट्रोजन हमारा क्या बना देगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और वाटर के प्रेजेंस में आते ही ये बना देगा नाइट्रिक एसिड. और इनकी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी होती है 144,000 समथिंग, और इसकी होती है 57,000 समथिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट हो गई, और ये कैलोरीज में होती हैं, जो कि एडअप होगी और हमारी उसकी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू में दिक्कत लाएगी, हमें नहीं पता चलेगा फ्यूल की एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए हम इसको भी माइनस करना पड़ता है. नेक्स्ट हमारा आता है कूलिंग करेक्शन. कूलिंग करेक्शन क्या होता है, कूलिंग करेक्शन होता है कि जब भी हमारे जो अपैरेटस का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ऊपर जाता है, जब भी हमारा नॉर्मल उसका टेम्परेचर, जो अपैरेटस का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ऊपर जाएगा, तो उसके टेम्परेचर में थोड़ा, जब भी रूम टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा कम होने लगेगा, रूम टेम्परेचर पे वापस आने की वजह से, स्टेबिलिटी आने की वजह से. इसलिए जो हमारा जो थर्मामीटर है वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर दिखाएगा वो हमेशा थोड़ा कम ही होगा जितना टेम्परेचर हमारे अपैरेटस ने गेन किया है एक्चुअली. तो इसी वजह से जो हमारी कूलिंग करेक्शन है वो हमेशा प्लस होती है. ओके, तो जो फाइनल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन के आएगा वो क्या बनेगा, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा, हमने पहले सी निकाला था, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू में होगा टी टू माइनस टी वन, प्लस हो जाएगा हमारा कूलिंग करेक्शन
माइनस हमारी दो चीजें हो जाएंगी, एक तो एसिड करेक्शन और एक हो जाएगी हमारी फ्यूज वायर करेक्शन। इनकी वैल्यूज आपको दी जाएंगी। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है उसकी करेक्शंस के बाद। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। आई होप आप सबको ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।